सो है आपके सोलो ऑन का सर लेके आ चुके हैं वापस से सोलो ऑन का की एक और बहुत प्यारी रैंक फिशिंग गेम प्ले वीडियो, जिसमें कि आज रहने वाले दो दो गेम प्लेस जो कि होने वाले अपने चैनल के मोस्ट इंटेंस दो गेम प्लेस। स्टार्टिंग में तुम लोगों ने देखा है कैसे एक ही पेट्रोल पंप पे तीन तीन बंदे निकलते हैं, और तीन बंदों की इस टीम अप को टीम अप बोलो या थ्रीसम बोलो मुझे तो समझ ही नहीं आता। DVS के अगेंस्ट में तीन टीमों वाले बंदे, ये फाइट सही में बहुत खतरनाक होने वाली है। एंड अगर अपन ने ये फाइट निकाल दी तो तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सही में ये कुछ यूनिक टाइप का ही गेम प्ले होने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस यार, जिंदगी में पहली बार मुझे DVS में इतना प्यार आया है। जिस दिन इसको सही से चलना था ये उसी दिन चल पड़ी। सही में तीनों बंदों को जो अपन ने लाइन से यहाँ पे DVS के शॉट चिपकाए हैं, ये तो बहुत गलत लेवल का सीन हो गया। अगर ये वाली फाइट ने आपको इतनी सी भी खुशी दी है तो मेक श्योर आप लोग हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इस फाइट को मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए दिखा दिया क्योंकि आज के गेम प्ले का ये सिर्फ एक सैंपल है आज की वीडियो का। आज की वीडियो में इतने गलत लेवल की डोमिनेशन है क्लोज रेंज फाइट्स एंड कार रेस कि तुम लोग सही में चैट में हैकर बोलने वाले हो। अभी के लिए देखो, उस बाइक वाले बंदे को अपन ढूंढते हुए आए थे, वो अपने को मिलता नहीं है, मगर ये बंदा खुद बेचारा यहाँ पे मरने के लिए चला आता है। इस भाई को तो अपन बहुत प्यार से टेक डाउन कर लेते हैं। यही वाली रिच पे मैं बहुत अच्छे टाइम तक होल्ड करता हूँ, यही से अपन बहुत सारे किल्स भी निकालने वाले हैं। एक ऐसा खतरनाक क्रैश पे देखोगे तुम लोग यहाँ से कि तुम लोगों को मजा आ जाएगा, मतलब एकदम अंदर से सुकून मिलेगा। फिलहाल के लिए बंदे यहाँ पे काफी अलाइव बचे हुए थे, एंड सामने वाले जो कंपाउंड था वहां पे भी एक्चुअली एक बंदा आगे होल्ड कर चुका था। इसको मैं स्पॉट कर ही रहा था कि इतनी देर में अपन ने यहाँ पे 4x के साथ में पहला कार्स पे चिपकाया, एंड अब ये सिलसिला रुकने नहीं वाला है। यहाँ से अब किल्स की शुरुआत होती है। अब देखो बैक टू बैक किल्स, US वाले बंदे को एक परफेक्ट ड्रॉप शॉट के साथ में टेक डाउन किया, एंड दूसरे बंदे को भी अपन ने स्पॉट करके इजीली टेक डाउन किया। अभी के लिए एक बार जरा ये स्प्रे देखो, गाइस यार कैसा था ये वाला स्प्रे। सही में एक बार अभी के अभी इसको 10 में से रेट कर दो कमेंट्स में। कोई ज्यादा मतलब मेहनत वाला काम नहीं है यार, टाइप ही तो करना है उसको। अपनी क्रश को भी तो मैसेज करते हो, हालांकि वो तो देखती भी नहीं है, कम से कम मैं कमेंट्स देखूंगा तो सही, तो करो आराम से कमेंट। बाय द वे अभी के लिए यहाँ पे सीन देखो क्या था, अपने को बैक साइड से एक बंदे का फुट आया था, ये यहाँ पे मैं लालच में आ जाता हूँ। अब मुझे ये था कि ये बंदा आउट ऑफ जोन है, पैदल है, इसको तो मार के ही रहूंगा। एंड देखो मैं सच बताता हूँ, इस मोमेंट पे मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि इस गेम में मेरा लक इतना अच्छा कैसे चल रहा है, मैं अभी तक मरा कैसे नहीं हूँ। एंड देखो यहाँ पे क्या होता है, गीली सूट तो मैंने पहना था गायब, ये कैसे हो गया। सही में यार यहाँ पे तो बहुत गलत लेवल का सीन हो गया। ये बंदा आराम से प्रोन करके अपने को टेक डाउन कर लेता है। एंड अब बढ़ते हैं अपन अपने सेकंड गेम प्ले की तरफ में। रुको, अभी कहीं नहीं जाना है, आज की वीडियो पूरी देखोगे तो तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि सेकंड गेम प्ले का जो एंड जोन है वो सही में बहुत ज्यादा इंटेंस है। मुझे सीन्स भी कट नहीं करने पड़े सेकंड गेम प्ले के एंड जोन में, इतना खतरनाक एंड जोन जाने वाला है सही में, अब तक का सबसे इंटेंस।
हाँ वो बीच में मेरी वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन आई थी, तुम्हारे फोन में नहीं आई थी। होपफुली कई बंदे वहाँ पे नोटिफिकेशन को स्वाइप करने का अटेम्प्ट ले रहे होंगे। बाकी अभी के लिए यहाँ पे देखो सीन क्या था, एक बंदा अपने स्प्रे से बच के निकलता है, मैं आता हूँ उसे ढूंढने के लिए, एंड देखो ये क्यूटी यहाँ पे क्या कर रहा था। देखो गाइस गाड़ी मैं नहीं, गाड़ी मेरा ड्राइवर चला रहा था, ठीक है, समझ गए, मतलब समझ गए ना। अबे तुम सब समझते हो, ये चीज मुझे ही पता है, तुम्हारे दिमाग में अभी किस एक्टर का नाम आ रहा है ये सब समझ रहे हैं। बाकी अभी के लिए यहाँ पे गेम के अंदर देखो सीन क्या था, अपन आ चुके थे यार यहाँ पे इस वाली शेक को होल्ड करने के लिए। मैं इस शेक को एक बहुत अच्छे टाइम तक होल्ड करता हूँ, एक जोन एक्चुअली अपन यहाँ पे बिताते हैं। अभी के लिए नेक्स्ट जोन यहाँ पे अपने को फेवर नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से रोटेशन ही दी जाए, अपन सीधा निकलते हैं यहाँ से पेट्रोल पंप के लिए। लेकिन यहाँ पे आते सबसे पहले तो मुझे खतरा होता है कहीं यहाँ से भी दो तीन बंदे तो नहीं निकलने वाले, मगर ऐसा चाबी के लिए तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन था नहीं, अपन बहुत अच्छे टाइम तक होल्ड करते। तभी यहाँ पे एक इमरजेंसी बैकपैक के साथ में बंदा लैंड करता है। इस बंदे में मैं दो तीन नेट्स के अटेम्प्ट लेता हूँ, मगर ऐसा यहाँ पे ज्यादा फायदा नहीं था क्योंकि ये बंदा यहाँ से हट ही चुका था। फिलहाल के लिए नेक्स्ट जोन जो था वो वापस से अपने को यहाँ पे फेवर नहीं कर रहा था, जोन की इस वाले मैच में मेरे से बिल्कुल नहीं बन रही थी, तो अपन निकल चुके थे सीधा नेक्स्ट जोन में पोजी होल्ड करने के लिए। ये डिप मुझे सही लग रहा था, एंड यहाँ से भी अपन कुछ प्यारे कार्फ्लेस चिपकाने वाले है। एक अच्छे टाइम तक मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, बट यहाँ पे अपने को एक्टिव ही रहना पड़ता है। अगर तो मेरे भाई आज आप हमारे इस प्यार से चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है, वॉइस ओवर अच्छा लग रहा है या गेम प्ले अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो मेक श्योर आप हमारे इस प्यार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आपको सही में यार बहुत प्यारा प्यारा कॉन्करर का कंटेंट देखने को मिलेगा, आपको डेली वॉइस ओवर वीडियोस एंड उसके साथ साथ में लाइव स्ट्रीम्स भी देखने को मिलेंगी। अगली स्ट्रीम भी अपन इसी वीक करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। देखो मैं इस बंदे पे एक दो नेट्स के अटेम्प्ट जरूर लेता हूँ, मगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकता था क्योंकि सोलो में कब कौन हमें देख रहा होगा ये चीज हम नहीं बता सकते। ये बंदा सडनली यहाँ पे रुक के एकदम से स्प्रे की मतलब तैयारी कर रहा था। ब्रो लास्ट में फाइट लेता ठीक है, जोन भी नहीं। अभी के लिए यहाँ पे एक भाई आते हैं अपने से मीटअप करने के लिए, इनसे आराम से बातचीत करते हैं, मगर यहाँ पे जोन का टाइम हो रहा था इसलिए ये तो यहाँ पे जोन के लिए निकल लिए थे। अब जैसे ही अपन यहाँ पे जोन के लिए निकलते हैं, देखो अपने को यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आने वाली है क्योंकि ये पूरा ओपन जोन था। मैं वापस एक मैच में प्रोन किए हुए बंदे से नहीं मरना चाहता था, तो मैंने सोचा यहाँ से जल्दी से गाड़ी उठा के निकलना चाहिए, एंड पोजी पकड़ने में देखो अपने को कितनी दिक्कत आने वाली है। अपने जस्ट राइट साइड में तो अपने सब्सक्राइबर भाई ने होल्ड किया हुआ था, लेफ्ट साइड में ये बंदा चला गया था, तो मेरे को कोई ऐसी पोजी ढूंढनी थी कि मैं दोनों से ही थोड़ा बच के ही रह पाऊं। अभी के लिए मैं डिसाइड करता हूँ थोड़ा ही डाउन रीच जाके रुकते हैं, एंड देखो यहाँ से कितना गलत सीन होने वाला है। यहाँ से अब वॉइस ओवर के बिना मतलब एकदम साउंड सेंस वाला गेम इंजॉय करो। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी था कि लेफ्ट से जो बंदा आ रहा है जिसने शायद से यहाँ पे इस सामने वाले बंदे को टेक डाउन किया, वो अपने सब्सक्राइबर भाई है या कोई और बंदा है, मगर यहाँ पे मैं स्पॉट कर लेता हूँ कि चलो ये तो अपने सब्सक्राइबर भाई ही है, अपने को कम से कम बैक साइड से टोचन नहीं मिलेगा।
देखो मैं भी मानता हूँ ये बहुत बेकार स्प्रे था, मैंने बहुत गलत लेवल का चोक किया, बट अपन ने बाद में रिकवर भी कर लिया। अब यार यहाँ से इतना खतरनाक लेवल का पैनिक गेम प्ले शुरू होने वाला है, बस तुम लोग साउंड सेंस के साथ एंजॉय करो। ये बंदा सही में यहाँ पे 2 HP था यार, अपन दोनों ही बंदों के बीच में फंस जाते हैं, दोनों बंदे खुशी से ही फायर करते हैं, तो ये तो थोड़ा गलत लेवल का सीन हो जाता है। बाकी सही में ये बहुत प्यारा एंड जोन था, इस एंड जोन को खेलने में बहुत मजा आया। एंड आज के दोनों ही गेम प्लेस कैसे थे मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप लोगों ने अगर वीडियो पसंद की हो, वीडियो अच्छी लगी हो, गेम प्ले अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाकी तो यार हम मिलते हैं कल एक और बहुत ही प्यारी सी रैंकविशिंग गेम प्ले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सी या, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।